ओके सो वेलकम बैक गाइस, तुम सबका मेरे एक न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो पे। गाइस आज की इस वीडियो पे ना तुम लोगों को बताया, एक्चुअली कल रात को मेरे को एक मैसेज आती है अननोन नंबर से कि हाय लव, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, प्लीज जॉइन दिस सर्वर टुमारो एट 2 PM। एंड यहाँ पे IP दे दिया है, प्लीज आ जाना वरना मैं सैड हो जाऊंगी। है मतलब ये कौन है भाई अननोन नंबर से? मुझे ये नंबर मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है इसकी कौन है, और ये मेरे को लव बुला रही है। और लास्ट में लिखा था मैं सैड हो जाऊंगी, मतलब कोई लड़की है। मुझे रहा है कि भाई ये ना कोई मेरा फ्रेंड है यार, जो मेरे साथ ना ऐसे मजे ले रहा है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, उसी सर्वर पे ना ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने के बाद यार मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना जो ना तुम लोग वीडियो में देखोगे, एंड सीरियसली अनएक्सपेक्टेड यार चीज थी। आई मीन तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो यार तुम लोग वीडियो को एंजॉय करो, और हाँ गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हम लोग 500K के पास जाते जा रहे। तो गाइस आप प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब मारो। तो चलो यार हम लोग फटाफट जाते हैं अभी उस सर्वर में। ये है गाइस वो सर्वर यार, मैं ज्वाइन करता हूँ। मतलब क्या है, क्या यहाँ पे कौन है, मेरे को बुलाया और मेरे को लव बोला था है, मतलब व्हाट द हेक, ये मैं कहाँ पे हूँ? एक सेकंड, यहाँ पे नीचे लावा, ये कैसी वर्ल्ड बॉर्न है? एक सेकंड, यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है, तुम जिसको भी देखो गुस्सा नहीं करोगे वरना लावा में। अरे क्यों, अरे लावा में क्यों, अरे तो लिखा कौन और कौन है? और मेरे को जो अननोन नंबर से मैसेज करके बोला मेरा नंबर ऐसे कैसे वायरल हो रहा है इसकी? अब ओके यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट क्रॉस द सैंड माउंटेन लव। यार यहाँ पे फिर से लव बोल रहे, अभी कौन है कौन ये? और ये सैंड माउंटेन मतलब इधर ही, राइट? ओके सो चलो गाइस हम लोग जाते हैं यहाँ पे, मुझे देखना है कौन है कौन ये। ओके मैं यहाँ पे नीचे आया हूँ, यहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई है। ओके सो ये चेस्ट में, इस चेस्ट के अंदर ये देखो, ये जो पेपर है ना यहाँ पे लिखा हुआ है खालो हेल्थ गया तो। अच्छा भाई ये कौन है भाई, मेरा इतना ध्यान रख रहा है, मेरे को यहाँ पे डैमेज पड़ा, मेरे को खाना भी दिया कि मेरे को डैमेज पड़े तो खा लो, और ये सैंड माउंटेन को क्रॉस करने को बोला। भाई कौन है, मेरा कोई फ्रेंड तो नहीं है ना जो मेरे साथ आई मीन प्रैंक वैंक कर रहा है? रिसेंटली मैंने 1 मिलियन क्रीपर आर्मी से वो भसड़ मचाया था, ये भाई श्री रैप्टर इनमें से तो कोई नहीं है ना, मेरे को लग तो रहा है भाई। इस सैंड माउंटेन को मैंने क्रॉस किया और मुझे आगे घर दिख रहा है, ये किसका बेस है भाई? देखते गाइस चलो 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 यहाँ पे जाके देखते कि कौन मेरे को बुलाया, किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे को यहाँ पे बुलाया। सेकंड यहाँ पे खिड़की से झांक के देखता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ से आगे जाता हूँ। ओए यहाँ पे फार्म बम, भाई किसका बेस है ये? बहुत आई मीन अच्छे से बनाया, लग तो रहा है कि बहुत दिनों की ग्राइंड वाइंड है। यहाँ पे घर भी है, यहाँ पे मैं घुसू क्या इस घर के अंदर, पता भी नहीं कि कौन है। रुको ना मैं एक मैसेज करता हूँ, कौन है तू, मैं इसकी मेरे को क्यों बुलाया, कौन है तू? कोई रिप्लाई आएगा सर्वर में? कोई है तो पता भी नहीं ना। नहीं वैसे जब मैं ज्वाइन किया था तब मेरे को एक तो कोई तो दिखा था, वो कौन है कौन मुझे दिख भी नहीं रहा है, आजू बाजू में कहीं पे मुझे दिख भी नहीं रहा, मैं इसकी कहाँ पे है कहाँ का। इसमें काम करते इसके घर के अंदर घुसता, घुस के देख, व्हाट हेलो संज, ये संज है ना, और ये तो मैं हूँ। हाँ ये देखो ये तो मैं हूँ। एक सेकंड यहाँ पे मेरी और ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, यस आई मीन हम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है, और यहाँ पे ये दो फोटो क्या कर रहा है यहाँ पे संज भाई? ये बहुत पहले की फोटो है जब मैंने ऐसे उसको फ्लावर देके प्रपोज समथिंग कर रहा था, और ये हम दोनों ने ऐसे फोटो खिंचाया था यार उसके कंधे पे हाथ रख के। ये संज का वर्ल्ड है, संज ने मेरे को बुलाया क्या यहाँ पे? तू नहीं नहीं वो नहीं बुलाएगी यार, मैंने उससे एक दो बार बात करने की भी ट्राई किया, उसने कोई रिप्लाई भी नहीं करा, वो मेरे को नहीं बुलाएगी मुझे लग तो रहा है। पर फिर कौन होगा आई मीन इस घर के अंदर, संज और मेरी फोटो? गाइस तुमको क्या लग रहा है आई मीन संज ने बुलाया कि क्या है क्या? मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड गाइस यहां पे विलेजर का आवाज आ रहा है, रामू चाचा। एक सेकंड गाइस, रामू चाचा तुम लोगों को याद है संज का बहुत फेवरेट गाइस एक विलेजर था है ना, वो उसका नाम था रामू चाचा। भाई यहां पे संज की हिंट क्यों आ रही है मेरे को, कहां है कहां वो? अगर गाइस ये संज हुई ना सही में मेरे भाई, मैं उसको बहुत सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे उससे और बात नहीं करनी यार, क्योंकि वो ऐसे मेरे साथ बिहेव करके गई ना, आई मीन जो भी है मेरा हार्ट ब्रोक किया ना, मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी है, मैं इंटरेस्टेड हूँ अगर ये संज हुई ना बहुत यार वो बुरा सुनने वाली है मेरे से। वो ही नहीं है यार रूम में खाली, अरे कौन है भैंस की कहाँ पे है कहाँ पे? चलो बाहर जाके देखते हैं यार ये कहाँ है वो संज, संज ये मैंने बोला था, लेकिन एक सेकंड ये रियल संज, हाँ रियल संज ही होगा, संज के पास ना पेड माइनक्राफ्ट था तो हाँ उससे सिर्फ वही आ सकती थी। हाय लव तू ये संज, एक सेकंड इसको ना मैं डिस्कॉर्ड बुलाता हूँ, डिस्कॉर्ड पे इसमें मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया, क्यों है डिस्कॉर्ड नहीं आ सकती हूँ क्यों? अरे क्यों आ जाना, तू सही में संज है क्या? मुझे जानना भाई डिस्कॉर्ड आई नहीं, ये बहुत गंदी वाली सुनने वाली है, मेरा हेडफोन खराब है। अच्छा ऐसा क्या, रुको तो ना मैं इसको वीसी बुलाता हूँ, इसका हेडफोन कैसे खराब हो सकता है, झूठ बोल रही है, वीसी बुलाते फिर मेरी आवाज तो जाएगी ना। रुको तू आ वीसी वरना मैं जा रहा सर्वर से। तुम बताओ लव कैसे हो, कैसा भी हूँ तेरे को जानने में क्या इंटरेस्टेड है, मुझे नहीं बताना कि मैं कैसा हूँ। ये घोड़ी पे क्यों बैठी हुई है नखरे, मतलब मुझे तो गुस्सा आ रहा है, अब मेरे को ये प्यारी नहीं लगती है भाई, पहले लगती थी अब नहीं लगती है। नहीं नहीं मत जाओ प्लीज, रुक जाओ लव। वीसी आ गई, अरे आ गई क्या, देखू जरा मैं, हाँ आ गई है। ओए हेलो, तेरे को आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे से फिर से
कॉन्टेक्ट क्यों किया? देख मेरे को ना तेरे से कोई बात नहीं करनी है, तू यहाँ पे फिर से मेरे को ऐसे अननोन नंबर से, वो किसका नंबर था, तूने मेरे को मैसेज करा है ना, हम दोनों की और कोई बात नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करना है। और तूने मेरे को यहाँ पे बुलाया क्यों, किस लिए बुलाया मेरे को बता, टाइम खराब करिए बस की मार दूंगा मैं तेरे को, ऐसे मत बोलो, क्या ऐसे मत बोलो, तूने क्या करा था तेरे को याद भी है, और तू ये घोड़े पे क्या बैठी है, बाहर आओ तू, बाहर आओ घोड़े को लेकर बाहर आओ। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि ये सही में संजय है क्या, डिस्कॉर्ड में तो आई तो है बट ये बात नहीं कर रही है, मेरा कोई दोस्त वोस्त तो नहीं है ना कि वो मजे कर रहा है, ऐसा हो भी नहीं सकता यार, क्योंकि संज का जो आइडिया ना वो पेड माइनक्राफ्ट है, और उससे ऐसे संज के बिना और कोई आ नहीं सकता है ना, तो ये संजी होगी, मुझे लग रहा है संजी होगी यार, इससे बात करते, कैसे हो तुम बताया नहीं, मैं कैसा भी हूँ तेरे को क्या मतलब है, मैं जैसा भी रहूं मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ तेरे बिना, ठीक है, अभी भी गुस्सा हो लव, हाँ तो गुस्सा ना रहूं तो क्या रहूं। और संज तू ये बता, तू बात क्यों नहीं कर रही है, तेरा सही में हेडफोन खराब हुआ है कि तू नखरे कर रही है, तू मतलब बोलेगी नहीं कि मैं आई मीन डांटू इसलिए, हाँ मेरी हेडफोन खराब हो गया है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, तू भी खराब हो जा भैंस की, तू क्यों जिंदा है, तू इसलिए बुलाया, एक सेकंड क्या, मेरी हेडफोन खराब हो गया इसलिए बुलाया, अच्छा भाई सही है, मतलब हाँ पिछला वाला मतलब जब तेरा हेडफोन ऐसा खराब हुआ था मैंने हेडफोन दिलाया था ना, हाँ तो अब इस बार तू हेडफोन लेने के लिए मेरे को सर्वर में बोले, शर्म नहीं आती तेरे को, मतलब तू हेडफोन लेने के लिए मेरे को यहाँ पे बुलाई, नहीं नहीं लव, अरे तो क्या तू क्या तू तूने खुद बोला तू हेडफोन के लिए मेरे को यहाँ पे बुलाई, गलत मत समझो, मैंने तुम्हें पैचअप के लिए बुलाया है, सीरियसली, नहीं नहीं सीरियसली पैचअप के लिए, देख मैं मजाक मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे तेरे से कोई पैचअप नहीं करना है, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे और मतलब नहीं करना है पैचअप, और इस पे मैं इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं, मतलब तूने जो करा है ना बहुत टाइम भी हो गया है और तू बहुत लेट भी कर दिया है, सो या मैं अभी रुक जाओ, तुम क्या रुक जाओ, ठीक है जो भी बुलाया अच्छा, मैं तेरे को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा बट मुझे नहीं करनी है तेरे से और बात, और पैचअप तू भूल जा, चलते है हॉर्स पे, तुम चलाओ, यार ये मेरे पीछे भी पड़ी है, और गाइस टू बी ऑनेस्ट समझ रहे हो बड़ा थोड़ा सा तो भाव खाएंगे भैंस की, क्योंकि ये ब्रेकअप करके गई थी ना, कोई नहीं चलो इसको पता नहीं ना, प्लीज ओके ठीक है आजा मैं चला रहा हूँ, बट एक घोड़े पे दो जन बैठ सकते क्या, है ये जावा एडिशन में कब से होने लग गया भाई कि हम दो जन कैसे घोड़े में बैठ सकते, वाओ नाइस यार वैसे अच्छा तो है, हाँ तो बता यार हम दोनों के बीच में और कुछ ठीक नहीं हो सकता संस, देख मैं सही बोल रहा हूँ, आई मीन पैचअप क्या नहीं हो सकता कुछ भी और ठीक, अच्छा पुराने बातें छोड़ो, कैसे छोड़ दूं मैं पुराने बातें, हैं कोई छोटी तो बात ही नहीं, देख क्या प्रैंक की वजह से तू इतना गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर चलेगी, मेरी गलती थी, हाँ तेरी गलती थी सही बात है, ये एग्जाम की वजह से ऐसे दिक्कत हो गई, यार कुछ भी हो ये हमेशा एग्जाम का मतलब हमेशा क्यों चिपका देती है, कुछ भी हो मेरा एग्जाम चल रही थी, ये हो गया मेरा एग्जाम चल रही थी, जब भी देखो एग्जाम एग्जाम एग्जाम, अभी एक और चांस दे दो, ज्यादा भाव खाना सही है क्या, क्या करूं मैं, कभी नहीं होगा और ऐसा सही में प्लीज लव, अरे गाइस देखो यार बहुत प्यार से वो बोल रही है, और मैं इतना भी आई मीन देखो मैं भी उससे प्यार तो करता था ना, समझ रहे हो, मान लेते हैं ना इतना भी भाव खाना सही नहीं है, वरना किस्मत में कोई नहीं मिलेगा, समझ रहे हो तुम, अच्छा सुन संत मैं ऐसे दूसरा चांस वो बात छोड़ते, बट हम ये कर सकते कि हम दोनों ऐसे नॉर्मली फिर से बात बात करते, और तू चाहती है तो कोई नहीं हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है ठीक है लव, सही भाई ये क्या आई मीन रैंडम नंबर से गाइस, मैं बी ऑनेस्ट अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि ये वापस आए, मैं बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में भाव कर रहा था, पर ये एकदम से आई मीन क्या एकदम से अननोन नंबर से मैसेज आया मेरे पास, और फिर मैं सर्वर में ज्वाइन किया और ये संच का निकला, आई मीन सीरियसली गाइस तुम लोगों के लिए भी खुश खबरी है यार, मतलब फिर से गर्लफ्रेंड ट्रोलिंग की वीडियो आएगी यार, तुम लोगों की भाभी भी यार वापस आ चुकी है, समझ रहे हो तो करो ओपी तो नीचे रुको चलते चलते इससे ना गाइस वो पूछूंगा कि इसने ना वो कैसे बनाया, तो चलो भाई जो हो गया पुरानी बातों को हम छोड़ते, हर इंसान को एक और ट्राई देनी चाहिए ना, मतलब समझ रहे हो गाइस, तो यहाँ पे आ जाते, आजा आजा संज, आजा 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 मैडम जी आप आ जाओ मेरे मैडम आ जाओ, तूने इसका नाम क्या दिया, संज जान इंसेक्ट सवार आए है, बहुत प्यारा है वैसे, कोई नहीं हम सब भूल जाते, बट आतिक तू मेरे साथ ये कोई मजाक तो नहीं कर रही ना, लाइक ऐसा ही बता, ओके क्या तू ऐसे हेडफोन क्यों पहनी हुई है संज, तूने बोला तेरा हेडफोन खराब है तो हेडफोन क्यों पहनी, मारा क्यों पागल हो तू, मारा क्यों, मारने का नहीं मेरे को भैंस की स्किन है मेरी, हाँ तो मैं मजाक कर रहा था मारा क्यों, और ये मेरे को ये बता संज, इधर आ मेरे को ये बता ये जो पेंटिंग है ये तूने कौन सी जादू टोना करी है, ये कहां से आई, ये तो हम दोनों ने बहुत पहले से फोटो खिंचाया था, आई कहां से ये बता मेरे को, ये वो हम दोनों की ये फोटो वो त्रिशा ने खींची थी ना, हाँ वो त्रिशा ने शायद खींची थी, मैंने ड्रॉइंग की थी, है तेरे को माइनक्राफ्ट में ड्रॉइंग भी
आती है वो भी इतना 3D एंड इतना रियलिस्टिक में। वैसे संस तो है बहुत ज्यादा अच्छी आर्टिस्ट ड्रॉइंग में। सही सही बता, तूने कोई घोटाला करा ना, कोई मॉड वॉड डाला है ना ये सब के लिए? मेरे लिए ये पल बहुत ही खास थी। हाँ हाँ वो तो थी हम दोनों के लिए। वैसे संस बता, तेरा माइक भी नहीं है यार, ऐसे पता नहीं बात करने में अच्छा भी नहीं लग रहा मेरे को, तेरा हेडफोन खराब हो गया। कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक अभी तो बढ़िया वाला माइक ही भेज दूंगा, ठीक है? मैं तेरे को उससे बात करेंगे, ठीक है? यस यस यस। तो अभी बता, तेरे पास आर्मर वार्मर नहीं है क्या? रुक जा, मैं तेरे घर पे देखूं। मैं तेरे घर के सामान एक्सेस कर सकता हूं ना, कि तू अभी नहीं करने देगी? पहले जैसे ही लुक्खा बेकार लड़की है तू अभी भी। हाँ लव, हाँ आया ना लाइन पे, मैं इसकी नवी चलाया था सरबत छोड़ के मैं। वैसे कुछ अच्छा खास तो नहीं है, बट आयरन आर्मर है, कोई बात नहीं, ले लेते थोड़ी सी। हाँ तो बता, ये क्या यहाँ पे बेड कहाँ है? ये सिंगल बेड क्यों है? यार तेरा माइक खराब है, वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू बोल नहीं रही है वैसे क्या चैट में? रुको, क्या हो गया? अब क्या कर रही है? ओ अभी लगाया है, मतलब पहले याद नहीं थी तेरे को? नूब इंसान, योर फेवरेट कलर। हाँ वो तो है। ये देखो, क्या देखूं? वाओ ओ पुराने याद आ गया मुझे कुछ, ऐसे तू डेली फुल देती थी मेरे को, थैंक यू सो मच। बट ऐसे घर का ना लुक खराब नहीं करते, तो यहाँ पे फुल लगा देते। और बता अभी क्या करे? वैसे मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ क्या बता? ये क्या? हाँ ये पेंटिंग तो बोला मैंने, बहुत प्यारी है, लाइक हम लोग बहुत पुराने टाइम का है, इट्स क्यूट। अभी फिर से कुछ लिख रही है, ये देखो खड़ी हो गई है भैंस की। ये फूल अभी भी है, अभी भी है मेरे पास लव। अच्छा ऐसा क्या? सीरियसली ये फूल मैंने तेरे को दिया था, बट वो ये वाला जो हमने वर्ल्ड था ना, वो तो बहुत पुराना वर्ल्ड था, वो वर्ल्ड अभी भी है क्या तेरे पास? अच्छा उसके अंदर तूने ये फूल को ऐसा सजा के रखा है क्या? अरे अरे नाइस नाइस नाइस। हाँ लव, ओके ठीक है, तो तू आर्मर पहन ले और मेरे पास यहाँ पे पिकैक्स है, तो चल मैं ना तेरे को डायमंड माइंड करके दिलाता हूँ। पूरा आर्मर पहन ले ठीक है, केप में मैं इसकी मर जाएगी, तू प्रो मत बन। यहाँ पे वैसे तेरा माइनिंग एरिया कहाँ है क्या? अच्छा ठीक है चल, मेरे को बुला रही है, चलो 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 चलो। और वैसे सेंस तू जो तेरा जो एग्जाम चल रहा था, अच्छा ये माइनिंग है, ठीक है आ जा आ जा आ जा। तो तेरा जो एग्जाम चल रहा था, ऐसा हुआ कैसा एग्जाम? फेल वेल हुई कि नहीं तू? अरे मारा क्यों? तो फेल ही होती है, पढ़ाई में भी नूब, गेम में भी नूब, भैंस की हर जगह नूब तू। अच्छी हुई है भैंस की घंटा, अच्छी हुई। हाँ लव मुझे बहुत सारा डायमंड चाहिए। हाँ तो मैं दिला रहा हूँ ना, तू आज आ तो जा मेरे साथ, तुझे मिलती ही नहीं। ले भाई नो अभी भी वैसी रही गाइस, कितना टाइम हो गया गाइस हम लोग ऐसे ब्रेकअप हुआ, तो 3-4 महीने समथिंग, अभी भी नूब है। बताओ यार चल आ जा, मैं आज तेरे साथ तेरे को पूरी डायमंड की बारिश करवाता हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ पे डायमंड मिलती। आ जा, ये देख हम ना यहाँ पे कहीं पे रवीन में तो निकले तो है, चल ऐसे हम लोग दोनों स्ट्रिप माइन करते सब तुम्हारे लिए लव। अरे कोई बात नहीं ठीक है चल माइन करते। ओए संज हम लोग ये देख यहाँ पे ना किसी केव में निकल आए, इधर आ। गोल्ड चाहिए क्या तेरे को? गोल्ड नहीं चाहिए, पता है सोना है, सोना सोना पता है कितना महंगा होता है, ले ले डायमंड ढूंढ दो। नौकर हूँ क्या मैं तेरा कि तेरे लिए डायमंड ढूंढ? ए मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं मारने का समझा क्या? संज हम लोग केव में आ गए ना, यहाँ पे देख डायमंड मिल जाएगा, तू टेंशन मत ले। वो मैं समझ रहा हूँ आधे घंटे हो गए हम लोग को माइन करते, अभी तक नहीं मिला यार, नहीं मिल रहा है। अरे तू यार, अरे सैड में तो मैं हूं ना, ढूंढ दूंगा। ये देखो यार ये सैड हो रही है। ओके गाइस तो अभी ना मेरे को वैसे थोड़ा ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा। वैसे गाइस मैं थोड़े बहुत हैक्स वैक्स जानता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो मैं कमांड डालता हूँ, सन थोड़ा सा आजू बाजू पे देख लो मैडम। ये देखो भाई, वाओ यस। पता है मैं ऐसे जादू टोना सीखा था, मैं तो सोच रहा था मैं तेरे ऊपर कोई तुक तक कर दूं ऐसे, समझ रही है? ये कैसे यार मजाक कर रहा हूँ, ये कैसे किया तुमने? अब ये तो है मेरा जलवा, मैं मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताता, गर्लफ्रेंड को भी नहीं। यस क्या हो गया? ए मार क्यों रही है? मेरे को डायमंड चाहिए कि नहीं? फिर मैं सब हटा दूंगा, ये चाहिए चाहिए। हाँ तो माइन कर, चल भर भर के माइन करते, चलो लेट्स गो। तूने फर्स्ट टाइम डायमंड माइन किया? ये देख ये बच्चा मार रहा है मेरे को, वैसे मार दिया मैंने को। ये भाई ये तो अलग ही भाई, डायमंड माइन करने के नशे में, देखो इसके बॉयफ्रेंड को मार रहा है, इसको कोई ध्यान भी नहीं है। नहीं नहीं ओ मार दिया भाई, क्रीपर को मारा संज भाई। सही है भाई, ये मतलब अभी भी वैसी है, देख रहे भाई अभी इतने ज़ॉम्बी आ गए, क्रीपर आ गए, मैं मर रहा हूँ इधर पे उसके लिए लड़ रहा हूँ, उसको ध्यान ही नहीं है भाई, डायमंड माइन करे जा रही है, मतलब क्या ही लालची लड़की है। और संज ये वाला केव, ये जगह को मैं इतने डायमंड में छोड़ देता हूँ, ठीक है? जब तेरे को डायमंड चाहिए होगा तू ले लेना। यस ये देख दोनों बन चुके डायमंड, देख खोपड़ी पे तीर मारा है यार। थैंक यू लव। यस ठीक है संज हो गया, अब मैं जाऊँ तेरे को डायमंड आर्मर दिला दिया, अब मैं जा रहा हूँ सर्वर से। नहीं अरे क्यों? तो संज देख मैं तेरे को डायमंड दिला दिया, तेरे को आर्मर भी बना के दे दिया, तेरे लिए पूरा बड़ा सा केव दे दिया डायमंड भर के, अब मेरा काम हो चुका है खत्म, एंड मैं अभी जा रहा हूँ। लव यू, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा भाव कहेंगे। अच्छा मुंह उतर गया इसका, ओके कोई नहीं। लव यू टू। तू ना वो उधर एक सैंड, वो जो सैंड माउंटेन दिख रहा है वहाँ पे एक विलेज है, ठीक है?
तो वो विलेज में जाके वहाँ पे विलेजर से कुछ लूट वूट के आ, ठीक है, तब तक मैं ना यहाँ पे कुछ एक चीज कर रहा हूँ, करने का प्लान कर रहा हूँ जो तेरे सामने नहीं कर सकता हूँ, तो तू जा उधर, ठीक है, जा, हाँ जाओ विलेज पे जा। और गाइस मैं ना इसके लिए ना एक ऐसा ना सरप्राइज प्लान करूंगा, देखो गर्लफ्रेंड आ गई वापिस, तो तुम लोगों को गर्लफ्रेंड ट्रोलिंग की वीडियो मिलेगी, तो क्यों ना आज ही उसको गाइस प्रैंक करते एकदम खतरनाक वाली, है ना। मुझे ना लावा का आवाज आ गया था यहाँ पे नीचे ना, मुझे लग रहा है कहीं पे ना लावा है, जो कि मुझे लगा था। यस ये देख रहे हो यहाँ पे ना गाइस लावा है, एक सेकंड वो देख क्यों, ए तू देख क्यों रही है, छुप छुप के नहीं देखना है, मैं इसकी भाग यहाँ से, भाग 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 भाग, ओ जा उधर विलेज में जा, भाग यहाँ से, तुम क्या करोगे इधर, तेरा कब्र खोदूंगा मैं, जा अभी, मुझे भी बोलो, अरे यार सरप्राइज सरप्राइज। ओके सो गाइस चलो यार, मैं ना यहाँ पे ना ऐसा के यार ट्रैप बनाऊंगा, जो कि होगा उसके लिए काइंड ऑफ प्रैंक, ठीक है, ऐसे लावा में डालूंगा उसको, उसको लगेगा कि मैंने उसके साथ फिर से प्रैंक किया है, एंड उसके नीचे जैसे जाएगा ना वहाँ पे बड़ा सा प्यारा सा गाइस एक सरप्राइज होगा, सुंदर सी गाइस जगह ना हम लोग सजाएंगे प्यारी सी, अरे तो चलो 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 यहाँ पे हम लोग खोदते हैं। जो वैसे कुछ गाइस पिस्टन विस्टन भी चाहिए, तो मैं अभी ना मेरा कमाल यूज करूंगा, मैं यहाँ पे क्रिएटिव में जाऊंगा, उसको पता नहीं है ना। ओके गाइस मैं ना यहाँ पे कमांड डालता हूँ जिससे मैं ओपी का एक्सेस ले सकता हूँ। ओके गाइस ये देखो मैं अभी यहाँ पे क्रिएटिव में आ चुका हूँ, चलो चलो यहाँ पे जल्दी से तोड़ देते हैं ये सब। मैं ना इसके नीचे एक बड़ा सा यार रूम बनाता हूँ प्यारी सी, एकदम ही मतलब प्यारा, इसके ऊपर लावा है, ठीक है, ये तोड़नी है। लावा कहाँ पे है, लावा इधर है ना, आएगा भाई उसको बहुत दिन बाद, मतलब मैं भी उसको ऐसे प्रैंक करने के लिए तरस रहा था, समझ रहे हो तुम। तो गाइस ये देखो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है ना, चलो भाई अब इसके नीचे गाइस हम लोग बनाने वाले एक प्यारी सी रूम। जो ये देख रहे हो गाइस मेरे हाथ में ये क्या है, ये पता है ऐसा एक बलून है, समझ रहे हो, ऐसे हार्ट शेप में, तो इससे ना मैं इसको एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज दूंगा, यहाँ पे ऐसा घर टाइप का बनाऊंगा। चलो मैं जल्दी जल्दी से ये पूरा जगह को फिनिश करता हूँ, एंड फिनिश करके गाइस फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके तो गाइस यार तुम लोग क्या रेडी हो पूरी चीज देखने के लिए, ये देखो गाइस कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ से गाइस वो पहले लावा में आएगी, सोचे कि यार मैंने उसको ट्रैप में फंसाया मारने के लिए, है ना, तो वो थोड़ी गुस्सा होगी, फिर वो अपने इस प्यारे से यार पेंटिंग के यहाँ पे गाइस देखेगी यार कितना ज्यादा प्यारा बना है, यहाँ पे देख रहे हो गाइस बहुत सारा उसके लिए चीजें रखा है। तो चलो चलो गाइस अभी ना जल्दी से उसको जाके बुलाते। ओके गाइस मैं ना यहाँ पे बाहर तो आ चुका हूं, मैं ना ये देखो यहाँ से ना इस चीज को इधर बंद कर देता हूँ, तेरा अभी चलो यार संज को बुलाते। हाय संज किधर है तू, हेलो कहाँ पे है, कहाँ पे, ये सर्वर में तो है ना, हाँ सर्वर में तो है, इधर ही तो गया, जाने को मैंने बोला था, हो गया बिल्ड मेरा, अरे आ गया आ गया, देख मेरा काम हो चुका। वैसे तेरे को वहाँ पे विलेज से कुछ मिला क्या अच्छी वाली, आजा आजा वो देख इधर बनाया मैंने, आजा तेरे को दिख नहीं रहा क्या, नहीं तो, अरे क्या अंधी है तू, ये देख यहाँ पे करा है मैंने इसको ना कहीं समझ नहीं आ रहा, हाँ तू अंधी हो गई क्या, तेरे को चश्मा भी चाहिए क्या, ये यहाँ पे ही तो है, दिख नहीं रहा, ये देख कितना बड़ा सा बिल्ड बनाया मैंने, वो आसमान छू रहा है एकदम, अरे मार क्यों रही है, अरे है सही में है, अरे देख दिखेगा यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, हाँ सच बिल्कुल, ये देखिए देख, हाँ वहाँ पे खड़ी रहे, हाँ एकदम बिल्कुल सही जगह खड़ी है तू, सही जगह, अभी देख दिखेगा बहुत बड़ा एंड प्यारा सा एक बिल्ड है, अभी दिखेगा तेरे को, ये देख कुछ लिखा है उसने, यार तुमसे अभी पैचअप किया और तुमने प्रैंक करना चालू कर दिया यार, इसी वजह से ना मैं तुमसे बात नहीं करती, अरे गुस्सा मत दो लॉर्ड, चलो नीचे, ये देख मैं भी आ गया तेरे लिए सरप्राइज एंड एक प्यारी सी रूम, कैसा लगा, वो देख ये देख यहाँ पे फोटो, दोनों की फोटो भी हम दोनों की, यस कितना प्यारा है ना, ये देख यहाँ पे देख तेरे लिए मैंने कैट भी रखा है, जो तू इसको टेम भी कर सकते, तेरे को व्हाइट कैट बहुत पसंद है ना, ये एक्वेरियम बनाया बट फिश तेरे को डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा फिश डालना मैं भूल गया, बटा तू खुद से फिश डाल लेना, ठीक है, ये एक्वेरियम है, अरे ये तो मरी हुई फिश है, मरी हुई फिश कौन डालता है इसके अंदर, क्या पागल लड़की है, एंड ये केक ओनली तेरे लिए, लिखा हुआ है लव यू सन, तो अभी खा इसको, लव यू लव, अरे थैंक यू सो मच, अरे भाई क्या बॉस भाई, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम सबके बीच, हम दोनों के बीच में सब कुछ गाइस ठीक हो गया है सीरियसली, एंड ये देखिए तीन तीन हार्ट, देख इसके अंदर आने तेरे लिए कितनी सारी कैडबरी चॉकलेट भी रखा है, या यस बहुत प्यारा है, मैं आऊँ और ऐसे तेरे को सरप्राइज ना, तो ऐसा हो सकता है क्या, मैंने तेरे लिए इतना प्यारा सा जगह बनाया, इतना मेहनत किया, सो अभी बाहर चल, मुझे भी कुछ चाहिए तेरे से, क्या चाहिए, अरे मुंडी मत हिलाया कर, मैं इसकी क्या चाहिए, ऊपर चलना मैं बता रहा हूँ, और तेरे को ये जगह कैसा लगा, कैसा मैंने जो तेरे लिए इतनी मेहनत करके कितना प्यारा सा सरप्राइज बनाया, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, तो देख मैंने तेरे लिए इतना मेहनत किया ना, तो मुझे भी अभी कुछ चाहिए तेरे से, समझ रही है, चलो सी के पास, सी के पास
सी के पास क्यों? अच्छा सनसेट का टाइम है। रोमांटिक। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 वो आगे। हाँ उधर आगे पूरी समुंदर के बीच पड़ती है, लेट्स गो। वैसे गाइस तुम लोग क्या सोच रहे हो मैं क्या मांगने वाला हूँ? हाँ तो देख संच, अभी हो रहा है शाम का टाइम, मैंने भी तेरे लिए बहुत मेहनत करा वो बनाया एंड क्या बोलते है, बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से साथ में एक हुए, फिर से रिलेशन में आए और इस बार हम लोग सब दोनों सही से रहेंगे। सो मुझे अभी एक किस चाहिए, पास आओ लव, लेट्स गो भाई, होने वाली है यस। ओके गाइस चलो यार अभी तो यार यहाँ पे किस होने वाला, यार संच ने बोला है पास आओ, चलो चलो चलो। ये कहाँ चढ़ रही है ये? संज यार पास बुला के दूर क्यों जा रही हो तुम? यार ये दूर क्यों जा रही है मेरे से? संज ओए तू दूर क्यों जा रही है यार? और ये आसमान में ऊपर जा रही है, हम नीचे गिर के मर जाएंगे। यार तू ऊपर क्यों जा रही है? पास आना। व्हाट भाई ये दूर क्यों जा रही है मेरे से? यार संज रुक जा, कहाँ जा रही है तू पीछे? ए इंसेक्ट उठ। संज क्या कर रहे है तू? सुबह हो गई कब का, तू क्या कर रहा है यार? मैं सपना देख रहा था। ए, श्री तू कहाँ से आ गई? तूने मेरा डायमंड आर्मर देखा? तूने लिया मेरे को पता है यार। मैंने कुछ नहीं चुना, मेरा दिमाग खराब मत कर भैंस की, तू जा भी बस निकल यहाँ से, निकल। What the heck guys, एक सपना था सीरियसली? अरे हाँ ना यार, हम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया, हम दोनों तो आई मीन ऐसे और कभी साथ में नहीं हो सकते। यस यार ये एक सपना था यार, क्या अजीबोगरीब सपना था, बट जो भी सपना था यार बड़ा प्यारा था यार। पर ये श्री आके पूरा मूड खराब कर दिया यार मेरे सपने का।